आंदोलन। सरकाघाट की 70 बसें धर्मपुर ट्रांसफर करने का मामला गहराया। जिला पार्षद मनीष शर्मा की अगुवाई में विभिन्न संगठनों ने आदेशों की प्रतियां जलाई। आरएम ऑफिस के सामने किया धरना प्रदर्शन। निर्णय वापस ना लिया तो अब सड़कों पर उतरेंगे सभी संगठन। नबही वार्ड से जिला परिषद सदस्य मुनीष शर्मा की अगुवाई में नगर पंचायत सरकाघाट के प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों व सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं व युवाओं ने सैकड़ों की तादाद में हिमाचल पथ परिवहन निगम सरकाघाट डिपो के रूटों को स्टाफ व बसों सहित धर्मपुर डिपो में स्थानांतरित करने का कड़ा विरोध किया व इन आदेशों की प्रतियों को विरोध स्वरूप जलाया और माननीय मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व पथ परिवहन निगम के MD को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा। मुनीश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को धर्मपुर डिपो के लिए नई बसों व रूटों का प्रबंध करना चाहिए। सरकाघाट बस डिपो से छेड़खानी करना व इसे तोड़ना सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता से अन्याय होगा। इस फैसले से अच्छी कमाई वाले क्षेत्रीय रूट व लंबे रूट धर्मपुर डिपो के तहत कर दिए गए हैं। इस फैसले का बुरा असर सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। इस फैसले से सरकाघाट डिपो में स्टाफ व बसों की भारी कमी हो जाएगी। सरकाघाट विधानसभा का भद्रोता व बैराई इलाका बसों के भारी संकट से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में नए बस रूट शुरू करने की संभावनाएं तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। स्थानीय विधायक 15 वर्षों से विधायकी की मौज ले रहे हैं व गहरी नींद में सोए हैं। विधायक महोदय नहीं तो नए रूट शुरू करवा पाए व न ही सरकाघाट डिपो को तोड़ने के फैसलों को रुकवा पा रहे हैं। स्थानीय विधायक के 15 वर्षों के कार्यकाल में विधानसभा के विकास कार्य पूरी तरह से रुक गए हैं और लोगों को पानी, सड़क, बस, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं व केंद्रीय विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाएं दिला पाने में भी असमर्थ रहे हैं। इस फैसले से खासकर दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू जैसे रूटों पर सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मुनीश शर्मा ने प्रदेश सरकार व स्थानीय विधायक को साफ शब्दों में चेताया है कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी और संघर्ष का रास्ता अपनाया जाएगा। यह हुए धरने प्रदर्शन में शामिल। इस धरने प्रदर्शन में नगर परिषद के उपाध्यक्ष ध्यान सिंह, भूतपूर्व सैनिक लीग के सचिव एवं कलश वार्ड से नगर परिषद के कश्मीर सिंह, पंचायत समिति सदस्य कृष्णा देवी देव, वरिष्ठ कांग्रेसी एवं देव ब्राड़ता पंचायत प्रधान योगराज शर्मा सहित दर्जनों पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, सरकाघाट पेंशनर संघ, सरकाघाट शहरी विकास मंच, सरकाघाट वरिष्ठ नागरिक संघ सहित उपमंडल भर के कई महिला और युवक मंडल के सदस्य इस प्रदर्शन में शामिल हुए। एक साथ नहीं हो सकते इतने रूट ट्रांसफर, परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि एक साथ किसी भी डिपो से इतने सारे रूट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। एल इस बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर ही बात कर सकता हूँ। कभी भी हर दिन जो है पानी पीने को नहीं मिलता है। ये हालात हमारे विधानसभा की है। युवा भाई जो है हमारे जो है दर दर की ठोकरे खाने पर मजबूर है। सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा इस समय सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। लेकिन फिर भी अगर किसी को ये गलतफहमी है जो बड़े दावों के साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है हम जो है टेंट लगाकर बाजे बजाकर जो हार पहनाकर जो है सरकाघाट में बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनको ये गलतफहमी है कि सरकाघाट विधानसभा का विकास हुआ है इन 15 सालों में, वो किसी अच्छे अस्पताल में जो है अपना इलाज करवा ले जाकर। और हम ये बात कहते हैं कि सरकाघाट विधानसभा की पूरी तरह से हम देखती हुई है और ये प्रदेश सरकार का भी सौतेला रवैया है और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार जो है हमारे विधायक साहब हैं, जिन्होंने सरकार के सामने न कभी मांग रखी, न सरकाघाट के हितों की पैरवी की, न ही जो सरकाघाट की जनता की दुख तकलीफ में वो शामिल हुए जिस तरीके से उनकी जो है कार्यशैली रही है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है बसों की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में जो है हम जो है लोकल रूट भी नहीं लगवा पाएंगे, क्योंकि फिर जो है एक मौका मिल जाएगा इनको ये कहने का कि जो है हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास बसें नहीं है। और ये जो घाटे में जब ये बस डिपो चला जाएगा तो आने वाले समय में जिस तरीके से HRDC घाटे में जा रही है, इस डिपो को खत्म होने के ऊपर भी जो है वो उसके संकट के बाद जो है आ जाएंगे। तो हम ये मांग करते हैं
अभी जो है हम जो है एक टोकन धरने प्रदर्शन के माध्यम से आज एक दिन के तैयारी में जो है सांकेतिक सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। आने वाले समय में सरकार का अगर यही रवैया रहा और ये जो विधायक साहब है अगर ये सोए रहे तो हम जो है हर पंचायत के अंदर हर गली डुक्कड़ में जो है विरोध सभाएं जो आयोजित करेंगे और सरकार घाट की जनता जो है इनके इनसे दुखी है और सरकार घाट की जनता में भारी गुस्सा है और इसके लिए जो सरकार घाट की जनता जो है सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। सरकाघाट से उपमंडल संवाददाता प्रताप चौहान की रिपोर्ट।